नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का किसान खबरी की एक और वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। किसान भाई, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं न्यू हॉलैंड के XL 6510 ट्रैक्टर के बारे में। दरअसल किसान भाई, ये जो ट्रैक्टर है 65 हॉर्स पावर का बहुत ही दमदार ट्रैक्टर है। ये जो ट्रैक्टर आपको 2-व्हील ड्राइव 4-व्हील ड्राइव दोनों वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। अगर आपका बजट बहुत ही अच्छा है और आपको बहुत ही ताकतवर ट्रैक्टर चाहिए तो ये ट्रैक्टर आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा। काफी अत्याधुनिक फीचर्स के साथ ये ट्रैक्टर आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए और डिटेल में बात करते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में, शुरुआत करते हैं इस ट्रैक्टर की कीमत से। तो इस ट्रैक्टर की जो कीमत है तकरीबन 14 लाख से लेकर 15.5 लाख के बीच में रहती है कीमत, जो प्लस माइनस हो सकती है। दरअसल अलग अलग राज्यों के अलग अलग चार्जेस होते हैं तो उस वजह से कीमत जो प्लस माइनस होती रहती है और समय समय पर डिपेंड करता है। अगर आप ट्रैक्टर को सीजन के वक्त लेंगे तो ट्रैक्टर कहीं ना कहीं आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर आप ऑफ सीजन ट्रैक्टर लेंगे तो ट्रैक्टर कहीं ना कहीं आपको सस्ता पड़ेगा। चलिए बात करते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, जो ट्रैक्टर 65 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के इंजन के टाइप के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको FPT S8000 सीरीज का इंजन देखने को मिल जाता है। ये जो इंजन टेक्नोलॉजी ग्लोबली लीड करती है, काफी बढ़िया इंजन टेक्नोलॉजी जो है इसमें यूज करी गई है। FPT इंजन टाइप जो है काफी बढ़िया है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के इंजन के सिलेंडर के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाते हैं। काफी अच्छा, काफी हैवी ड्यूटी इंजन जो है इस ट्रैक्टर में आपको दिया गया है। काफी हैवी ड्यूटी पिस्टन इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। इस ट्रैक्टर का जो इंजन है तकरीबन 48.47 किलोवाट की एनर्जी जनरेट करता है। चलिए बात करते हैं इस ट्रैक्टर के एयर फिल्टर के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको ड्राई टाइप डुअल एलिमेंट वाला एयर फिल्टर देखने को मिल जाता है। काफी अच्छा, काफी बढ़िया एयर फिल्टर जो इसमें आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के कूलिंग सिस्टम के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको वाटर कूल कूलिंग सिस्टम वाला इंजन देखने को मिल जाता है। चलिए बात करते हैं इस ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन के बारे में। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के क्लच के टाइप के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको डुअल क्लच देखने को मिल जाती है। काफी अच्छी, काफी हैवी ड्यूटी क्लच जो इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाती है। इसमें आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इस ट्रैक्टर में आपको ड्राई टाइप फ्रिक्शनल प्लेट देखने को मिल जाती है और इसमें आपको वेट टाइप हाइड्रोलिक फ्रिक्शनल प्लेट देखने को मिल जाती है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है क्लच टाइप चुन सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन के टाइप के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको फुल्ली सिंक्रोमाइज वाला ट्रांसमिशन टाइप देखने को मिल जाता है। इसमें भी आपको मैकेनिकल शटर और पावर शटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है गियर बॉक्स चुन सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस ट्रैक्टर के गियर के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको 12 फॉरवर्ड गियर देखने को मिल जाते हैं, 12 रिवर्स गियर देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें आपको 20 फॉरवर्ड गियर देखने को मिल जाते हैं, 20 रिवर्स गियर देखने को मिल जाते हैं। और इसमें आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें आपको 24 फॉरवर्ड गियर देखने को मिल जाते हैं और 24 रिवर्स गियर देखने को मिल जाते हैं। काफी अच्छे, काफी सारे गियर जो है इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट आपको ज्यादा गियर चाहिए तो आप 24 फॉरवर्ड 24 रिवर्स गियर वाला ट्रैक्टर ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी गियर की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स गियर के साथ इस ट्रैक्टर को ले सकते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है ट्रैक्टर चुन सकते हैं। फिलहाल न्यू हॉलैंड कंपनी ने काफी सारे गियर जो इसमें दिए हैं क्योंकि ये ट्रैक्टर खासतौर पर परफॉर्मेंस के हिसाब से बनाया गया है। आप इस ट्रैक्टर को हैरो पर, हार्वेस्टर पर और कई सारी अदर मशीनरीज पे यूज करेंगे तो ये जो ट्रैक्टर काफी बढ़िया उन मशीनरीज पे परफॉर्मेंस देगा। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर की स्पीड के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर की फॉरवर्ड गियर पे स्पीड के बारे में तो ये जो ट्रैक्टर है तकरीबन 0.28 किलोमीटर प्रति घंटे की तरह से लेकर तकरीबन 37.5 किलोमीटर प्रति घंटे की तरह से भाग सकता है। काफी अच्छी फॉरवर्ड स्पीड जो है ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाती है। काफी हांगकांग की ट्रैक्टर है लेकिन फिर भी फॉरवर्ड स्पीड जो है इसकी काफी बढ़िया है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर की रिवर्स स्पीड के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको 0.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर तकरीबन 38.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। काफी अच्छी रिवर्स स्पीड जो इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाती है। रिवर्स स्पीड अगर आप देखें तो फॉरवर्ड स्पीड से ज्यादा इस ट्रैक्टर की रिवर्स स्पीड है। काफी अच्छी रिवर्स स्पीड इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाती है। चलिए बात करते हैं इस ट्रैक्टर के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको मैकेनिकली एक्युलेटेड ऑयल मस डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं और इस ट्रैक्टर में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें आपको हाइड्रोलिकली एक्युलेटेड ऑयल मस डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। काफी अच्छे, काफी हैवी ड्यूटी ब्रेकिंग सिस्टम जो इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है ब्रेकिंग सिस्टम चुन सकते हैं। अगर आप ज्यादा बढ़िया ब्रेकिंग सिस्टम चुनेंगे तो ट्रैक्टर की कीमत जो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। चलिए बात करते हैं ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक्स के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर की मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में तो ये जो ट्रैक्टर तकरीबन 2000 किलोग्राम से लेकर तकरीबन 2500 किलोग्राम तक का वजन उठा सकता है। काफी अच्छी लिफ्टिंग कैपेसिटी जो इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाती है। इस ट्रैक्टर की जो लिफ्ट है काफी अत्याधुनिक बनाई गई है। इस ट्रैक्टर की लिफ्ट में आपको सेंसोमेट्रिक 24 विथ 24 सेंसिंग पॉइंट भी देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको लिफ्टोमेटिक विथ हाइट लिमिटेटर भी देखने को मिल जाता है और इसमें आपको DRC वॉल्व एंड आइसोलेटर वॉल्व भी देखने को मिल जाता है। ओवरऑल काफी बढ़िया लिफ्ट जो इस ट्रैक्टर में आपको दी गई है। तकरीबन सभी बढ़िया बढ़िया फीचर जो इस ट्रैक्टर की लिफ्ट में आपको दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं इस ट्रैक्टर के स्टीयरिंग के टाइप के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको केवल और केवल पावर स्टीयरिंग ही देखने को मिलेगा, इसमें आपको मैकेनिकल स्टीयरिंग नहीं मिलेगा क्योंकि 65 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, काफी दमदार ट्रैक्टर है। तो जाहिर सी बात है इस ट्रैक्टर की जो हैंडलिंग है नॉर्मल स्टीयरिंग से आप मैकेनिकल स्टीयरिंग से नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको पावर स्टीयरिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी। काफी अच्छी, काफी हैवी ड्यूटी पावर स्टीयरिंग जो इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाती है। और 4-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का जो फ्रंट एक्सल है वो भी काफी हैवी ड्यूटी इस ट्रैक्टर में दिया गया है। चलिए बात करते हैं इस ट्रैक्टर की फ्यूलिंग की कैपेसिटी के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको 60 लीटर की फ्यूलिंग की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है और इसमें आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें आपको 100
लीटर की फील्डिंग की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। काफ़ी अच्छी फील्डिंग की कैपेसिटी जो इस ट्रैक्टर में दी गई है। फिलहाल अगर आप एवरेज का सोच रहे हैं तो ये ट्रैक्टर एवरेज उतना अच्छा नहीं देता है। इस ट्रैक्टर को खासतौर पर परफॉर्मेंस के लिए डिज़ाइन करा गया है। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो ये ट्रैक्टर आपके लिए काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देगा, लेकिन अगर आपको एवरेज चाहिए तो ट्रैक्टर आपको एवरेज नहीं दे पाएगा। चलिए बात करते हैं ट्रैक्टर के पीटीओ के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर पीटीओ के टाइप के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको 6 स्प्लिन शाफ्ट वाला पीटीओ टाइप देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छा ये पीटीओ टाइप है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर पीटीओ के आरपीएम के बारे में तो इस ट्रैक्टर का जो पीटीओ तकरीबन 540 आरपीएम जनरेट करता है और इसमें आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 540 और 1000 आरपीएम जो है देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छा आरपीएम जो है ट्रैक्टर का पीटीओ जनरेट करता है। इस ट्रैक्टर के पीटीओ में आपको रिवर्स पीटीओ और ग्राउंड स्पीड पीटीओ भी देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छे पीटीओ टाइप इसमें आपको देखने को मिल जाता है। चलिए बात करते हैं ट्रैक्टर के टायर के साइज के बारे में। अगर हम बात करें टू व्हीलर ट्रैक्टर के टायर के साइज के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको 7.5x16 का टायर साइज देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर पिछले टायर के साइज के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको 16.9x30 का टायर साइज देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा टायर साइज जो है इस ट्रैक्टर में दिया गया है। अगर हम बात करें फोर व्हीलर ट्रैक्टर के फ्रंट टायर के साइज के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको 11.2x24 का टायर साइज देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर पिछले टायर के साइज के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको 16.9x30 का टायर साइज देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया टायर साइज जो इस ट्रैक्टर में दिया गया है। तो फिलहाल किसान भाई, ये थी जानकारी न्यू हॉलैंड के XL 6510 ट्रैक्टर के बारे में। ये जो ट्रैक्टर है काफ़ी बढ़िया, काफ़ी दमदार ट्रैक्टर है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपको 65 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए तो ट्रैक्टर आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। काफ़ी अत्याधुनिक फीचर्स जो है ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाते हैं। नए ज़माने का ये ट्रैक्टर है, काफ़ी बढ़िया है। ट्रैक्टर दिखने में भी काफ़ी बढ़िया है, चलने में भी काफ़ी बढ़िया है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको एक 65 हॉर्स पावर का दमदार ट्रैक्टर चाहिए, ये ट्रैक्टर आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। तो फिलहाल किसान भाइयों, ये थी जानकारी न्यू हॉलैंड के XL 6510 ट्रैक्टर के बारे में। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।